नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। अच्छा, 25 सितंबर 2004 को ये शुरू की गई थी, है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको एक कम से कम रुपए में एक अच्छे से अच्छा उपचार उपलब्ध करवाना, ठीक है। और इसकी पात्रता क्या थी? तो इसकी पात्रता थी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार या मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के कार्ड धारक और निर्माण श्रमिक या फिर विशेष पिछड़ी जाति के सभी परिवार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय किस सूची में सम्मिलित किए गए? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया है। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची, जिसमें से जो राज्य सूची है इसी में भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून है या नियम कानून है उनको रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि लघु उद्योग। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये ग्रामों के विकास से संबंधित है, जिसमें गांव में बेसिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्रामीण सड़कें तथा आवास को बेहतर बनाना शामिल है। इसमें लघु उद्योग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के लिए यह समुदाय के स्वामित्व में है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में अन्य जो क्रांतियां हुई हैं यहाँ पर वो लिखी हुई हैं, चलो हम उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति वायु डीजल से या फिर ऊर्जा से, और लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कौन मनाता है? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस की याद में हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी 2021 में? तो 2021 में इसकी थीम थी अवर एक्शन एंड अवर फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च कृषि ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर अपरदन की समस्या बहुत ज्यादा है ना। जैसे जो पहाड़ी नुमा क्षेत्र होते हैं तो वहां पर पानी जो तेज गति से बहकर नीचे आता है तो मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर समोच्च कृषि या फिर सीढ़ी नुमा कृषि भी बोलते हैं इसको, ये अपनाई जाती है। क्या होती है, ऊपर से जब पानी आता है तो यहाँ पर रुक जाता है, फिर यहाँ से धीमी गति से बहता है तो फिर यहाँ पर रुक जाता है। इस प्रकार पानी की जो गति होती है बहुत धीमी हो जाती है और मृदा अपरदन की समस्या से हमें कुछ हद तक राहत मिल जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। अच्छा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है उसमें कुछ इस तरह के आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं, है ना, जिसका उद्देश्य था लगभग जो टोटल विद्यालय की क्षमता होती है उसके 75% में एससी एसटी और ओबीसी की बालिकाओं को रखा जाए और 25% में
जो गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनसे संबंधित बालिकाओं को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नावार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। नावार्ड का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान देना। तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प संख्या 3, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु ये बनाई गई थी। अच्छा, नावार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नावार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक समिति थी शिव रामन समिति, जिसकी सिफारिश पर नावार्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा, नावार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नावार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। वर्तमान में नावार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर G.R. चिंता, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये वर्तमान में नावार्ड के अध्यक्ष हैं। अच्छा, नावार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो नावार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुफरी में। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सेंट्रल पोटेटो रिसर्च सेंटर, तो कहाँ पर है? कुफरी। लेकिन अगर कुफरी भी कहाँ पर आता है, तो कुफरी शिमला में आता है, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको ऑप्शन में कुफरी और शिमला दोनों दिए जाते हैं, तब आंसर जाएगा हमारा कुफरी। और अगर कुफरी नहीं दिया जाता है, तब हमारा आंसर जाएगा शिमला पर, क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही कुफरी आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध है वैकल्पिक ऊर्जा से। किससे है? वैकल्पिक ऊर्जा से। अन्य प्रमुख क्रांतियां भी यहाँ पर दी गई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जैसे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर या स्लेटी क्रांति, तो वो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, आलू से। उसी तरह इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। और सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा काली मृदा। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश का मैप, और काली मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है एमपी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना। यहाँ पर है मुरैना जिला, और यहाँ से निकलती है हमारी चंबल नदी, है ना। तो चंबल नदी द्वारा जो मुरैना का क्षेत्र है, उसको बीहड़ में परिवर्तित कर दिया गया है। वहां पर गली अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा है। कौन से अपरदन की समस्या है? तो गली अपरदन की समस्या है, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुरैना। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, कुएं या नलकूप। आप देख पा रहे होंगे हमारे राज्य में लगभग 66% सिंचाई कुएं या नलकूपों से होती है। दूसरा नंबर आता है नहरों का या तालाबों का, जिसका 21.12% सिंचाई नहरों या तालाबों से होती है, और फिर अन्य सिंचाई अन्य माध्यमों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में। अगर जिला पूछा जाए, तब आंसर हमारा होशंगाबाद होगा, और अगर रीजन पूछा जाए या क्षेत्र पूछा जाए, तब आंसर होगा हमारा मालवा रीजन में होता है। कहां पर? मालवा रीजन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से सही को पहचानिए। तो पहला कथन है गेहूं राज्य में खरीफ के मौसम में पैदा किया जाता है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। किसकी है? रबी की। अफीम की खेती खंडवा जिले में की जाती है, तो ये भी हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अफीम की खेती मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में की जाती है। कहां पर? नीमच और मंदसौर में। कथन तीसरा है हमारा, गांजा की कृषि मंदसौर जिले में की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गांजा की कृषि कहां पर की जाती है? तो वो खंडवा जिले में की जाती है। किस जिले में? खंडवा जिले में। अच्छा, चौथा कथन है हमारा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में होता है, तो चौथा कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। कहां पर है? इंदौर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या एक, सामाजिक सेवा। क्या आंसर हो जाएगा? सामाजिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA यानी कि नरेगा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अभी नरेगा को क्या कर दिया गया है? मनरेगा। कब किया गया था? तो 2009 में बदला गया था इसका नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जननी सुरक्षा योजना के तहत हमें क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा, दूसरा विकल्प क्या है? प्रसूता हेतु 5,000 रुपए की राशि नगद दी जाती है? तो बिल्कुल नहीं दी जाती। प्रसूता हेतु 6 माह के लिए अनाज निःशुल्क दिया जाता है? तो ए भी गलत हो जाएगा और विकल्प संख्या चौथा भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या एक, महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा, प्रसूताओं को क्या क्या निःशुल्क प्रावधान है? तो एक तो संस्थागत प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन प्रसव, दवाइयाँ और अन्य उपयोगी जो सामग्री होती है वो दी जाती है, निःशुल्क जाँचें की जाती हैं, निःशुल्क भोजन दिया जाता है, ब्लड की सुविधा दी जाती है और अन्य जो परिवहन की सुविधा होती है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। अच्छा, जैविक खेती होती क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की एक विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार वर्तमान में काफी बढ़ गया है। तो ये रही जानकारी जैविक खेती से संबंधित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समितियां दी गई हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। जीवी के राव समिति का गठन तो 1985 में किया गया था और एलएम सिंघवी समिति का गठन तो वो 1986 में किया गया था। जो पंचायतों के त्रिस्तरीय प्रावधान जो लाया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992-1993 में। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए? तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक तो भाग 9 जोड़ा गया था, है ना, जिसमें अनुच्छेद 243 में संशोधन करके 243 से 243 ओ तक लगभग 16 प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 73वां संविधान संशोधन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिशों पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा एलएम सिंघवी समिति या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब से आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2006, लेकिन ये गलत है। उस समय के प्रश्न में इसको सही आंसर मान लिया गया था, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना का जो शुभारंभ होता है वो 1 अप्रैल 2007 से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या था लाडली लक्ष्मी योजना का? इसका उद्देश्य था, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य था एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना था, है ना, और लड़कियों की जो शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना था और लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में अवस्थित है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ।